हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज का एक और शानदार विशेषांक, नागराज और नगीना। नागतंत्रिका नगीना के पास है सहस्त्रों बरस प्राचीन ये अंडे, जिनकी बदौलत अब वह बनेगी विश्व सम्राज्ञी। अंडों की बदौलत विश्व सम्राज्ञी, ये क्या कह रही है नगीना। मकड़ा खाटू, पिच्छू घड़ा और केकड़ा कंठ, नागमणि द्वीप की अत्यंत क्रूर, खतरनाक, जहरीली, विघातक जातियों के सम्राट जो अब साथ थे नगीना के। नगीना, तुम्हारे विश्व सम्राज्ञी बनने के इस अभियान में हम तुम्हारे साथ हैं, किंतु तुम्हें अपना सम्राट हम में से ही किसी एक को चुनना होगा। मैं मकड़ा खाटू से सहमत हूँ। मैं भी। तो फिर सुनो, तुम्हारे लिए मैं रचूंगी स्वयंवर। शर्त होगी नागराज का सिर। तुम में से जो मेरे पास नागराज का सिर लाएगा वह बनेगा विश्व सम्राज्ञी का सम्राट। किंतु ध्यान रहे, नागराज को स्वयंवर की शर्त की भनक ना लगे। मंजूर। बम्बई। नागराज ने विसर्पी के साथ कुछ समय व्यतीत करने का निश्चय किया था। बम्बई कैसा लग रहा है विसर्पी? बहुत खूबसूरत शहर है नागराज, किंतु मेरा यहाँ बसने का कतई विचार नहीं है। नागमणि द्वीप के विकास के लिए द्वीप पर कम से कम तुम्हारा शिक्षित होना आवश्यक है विसर्पी, इसलिए मैं तुम्हें बम्बई लाया। तुम्हारी शिक्षा समाप्त होते ही तुम्हें वापस नागमणि द्वीप ही जाना होगा। बीच पर समुद्र की लहरों के साथ थिरकाया वह विशाल अंडा, सैलानियों के मौज मस्ती के उन क्षणों में आज जुड़े अति रोमांच के वे क्षण भी। इतना विशाल अंडा, मम्मी क्या यह अंडा बतख का है? नहीं बेटे, बतख इतना बड़ा अंडा कैसे दे सकती है? तब फिर यह कछुए का होगा, पर यह आया कहाँ से? मैंने इसे समुद्र की लहरों के साथ थिरक कर आते देखा। उफ, पत्थर सी सख्त है इसकी परत। शीघ्र टूटने लगी पाषाण सी वो परत, सख्त परत। आश्चर्य व भय मिश्रित भाव लिए फैल गई उपस्थित सैलानियों की आंखें। ओ माय गॉड, ये तो ट्रायनासोर का बच्चा है। असंभव। ट्रायनासोर आज के युग में असंभव। असंभव संभव हो चुका है। ये निश्चित रूप से ट्रायनासोर का बच्चा है। बच्चों के लिए यह अद्भुत मनोरंजन था। ये किसी को कुछ नहीं कह रहा, कितना अच्छा है ये मेरे साथ फुटबॉल खेलेगा। पापा, मैं इस पर सवारी करूंगा। आश्चर्य का झटका लगा नागराज और विसर्पी को भी। उफ नागराज, ये कैसा जीव है? विसर्पी, ये पृथ्वी पर लाखों साल पूर्व पाया जाता था, इसे ट्रायनोसॉर कहते हैं। किंतु आज के युग में ट्रायनोसॉर का आगमन विश्व का आठवां आश्चर्य होना चाहिए। मगर वह दृश्य केवल बम्बई के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र नहीं बना हुआ था। उफ, न्यूयॉर्क में कहाँ से आ गया डायनासोर का ये बच्चा? फ्रांस। एफिल टावर देखने आया है क्या ये ब्रोंटोसोर? विश्व के एक आश्चर्य के सामने दूसरा महान आश्चर्य। डिज्नीलैंड। डायनासोर, डायनासोर। अफ्रीका। लाखों वर्ष पूर्व इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, कहाँ से आ गया ये धरती पर ये पेलोसाइनस? विश्व में एकाएक उत्पन्न हुए इस आश्चर्य पर फिलहाल चिड़ियाघरों का अधिकार हो गया। आज के युग में जीता जागता डायनासोर देखने को मिलना, ये तो कभी ना सोचा था। जीव वैज्ञानिकों की कई टोलियां निकल पड़ी थी उस आश्चर्य का रहस्य जानने। दैत्य जीवों के इतिहास के मुताबिक ये ट्रायनोसॉर हिंसक व मांसाहारी थे, किंतु फिलहाल इसमें ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ रही। रोजी, रोजी गुंजालविस, इसकी नसों से थोड़ा खून, थोड़ा रक्त ले लो। इसके रक्त परीक्षण के पश्चात इसके जिस्म की कार्य प्रणाली को समझने में हमें कुछ मदद मिलेगी। यस सर। और बस, जैसे गजब हो गया। उफ, ओह, चीख पड़ा वह वैज्ञानिक। उनकी मदद के लिए तुरंत यहां पहुंचे चिड़ियाघर के गार्ड्स। आप ठीक तो हैं ना मिस्टर परांजपे? आह, मिस्टर परांजपे को तुरंत ही दिया गया वह इंजेक्शन। घबराने की कोई बात नहीं है, इस इंजेक्शन से इस जीव के काटे का विष प्रभाव नहीं होगा। उफ, इंजेक्शन की सुई ने उसे कुपित कर दिया है। अगले ही दिन मुंबई चिड़ियाघर से आरंभ हुआ वह हंगामा। ट्रायनासोर तीन व्यक्तियों को मौत के घाट उतारकर वाड़े से निकल भागा है, रोको उसे! दर्शकों की भीड़ टूट पड़ रही थी चिड़ियाघर में उसे देखने के लिए। न जाने फिर कब मिले ट्रायनासोर को देखने का अवसर। ट्रायनासोर आ पहुंचा था दर्शकों के बीच। ट्रायनासोर? बच्चे प्रसन्नता से किलकारियां भरते लपके चिड़ियाघर के उस नए मेहमान की ओर, जब पिंजरा तोड़ भागा था। ट्रायनासोर, हम तुम्हारे साथ खेलने आए हैं, मैं तुम्हारा फोटो भी लूंगा। ट्रायनासोर, आतंक फैल गया क्षण भर में ही। नहीं, रुक जाओ, दूर हट जाओ ट्रायनासोर से, उसके मुंह मानव खून लग गया है। किंतु इसका क्या करें कि गार्ड्स की चेतावनी बच्चों की भीड़ के शोरगुल में गुल होकर रह गई। आ मम्मी, पिशाच है ये तो! खलबली मचा दी उस दैत्य ने लाखों बरस
पूर्व था जिनका पृथ्वी पर एक छत्र राज। भागो, मौत का सामना करने के लिए आए थे क्या हम यहाँ? भीड़ के धक्के खाकर गिर पड़ी थी वो मासूम बच्ची। माँ, शैतान के खूनी जबड़े उसकी ओर बढ़े और तभी मासूम बच्चों पर शैतान अपने जबड़ों की मजबूती परख रहा है। क्रोधित दैत्य जीव ने नागराज को भी टक्कर जड़ दी। ओह, बच्ची को सुरक्षित छोड़कर पलटा नागराज, और तेरे जन्म के समय से ही मैं तेरे विषय में सोच रहा था शैतान जीव बच्चे। बहुत शैतानी कर ली, अब नागराज तुम्हें अपने खूनी जबड़े और दिखलाने का अवसर नहीं देगा। ओह, चिड़ियाघर के गास डार्ट गन के साथ आ पहुंचे हैं। डार्ट फायर ने कुछ ही देर में मूर्छित कर दिया टायरानोसॉर को। नागराज, तुम समय पर ना पहुंचते तो ये दैत्य जीव अभी और खूनी हंगामों मचाता। नागराज के सर्प वापस समा चुके थे उसके जिस्म में। भीड़ से घिर गया नागराज। तुम महान हो नागराज, मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है तुमने। सुपर हीरो नागराज, नागराज स्माइल प्लीज। टन टन, भक्क से चंदी आ गई। इसी पल सबकी आंखें, ये क्या, ये क्या, ओह इतना तीव्र प्रकाश। किसी ने सच्ची कहा है कि मुसीबत अकेले नहीं आती। ट्रायनासोर, इसे क्या हुआ? भौचक्का सा खड़ा देखता रह गया नागराज उस दृश्य को। उफ, अकेले नागराज ही क्यों? उपस्थित प्रत्येक शख्स की आंखें हैरत से फटी थी। ट्रायनासोर रेत के ढेर में बदल गया, कैसे, कैसे? नागराज को प्रतीक्षा थी ऐसी ही किसी क्षण की। नागराज, देखो मेरे शस्त्र चीर चला की अनोखी ताकत। केकड़ा कंठ, ये शैतान यहाँ कहाँ से आ पहुंचा? एक खूनी हंगामे के आसार साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। अब यहाँ चढ़ेगा संग्राम, खिसक लेने में ही भलाई है। पापा, नागराज उसे चुटकियों में मसल डालेगा, हम ये जंग जरूर देखेंगे। नहीं बेटे, अच्छे बच्चे लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते। केकड़ा कंठ करज पड़ा, ठहरो, कोई अपने स्थान से इंच भर भी नहीं हिलेगा। जैसे फेविकॉल से चिपक गए सबके पांव। नागराज की खौफनाक प्रतिदेश, मौत का दृश्य आज सभी देखेंगे। इस जंग के अंत से पूर्व अगर कोई अपने स्थान से हिला तो अपनी मौत का वह खुद जिम्मेदार होगा। शैतान की चिड़चिला में ऐसी क्या, ऐसी अनोखी शक्ति कहां से आ गई? नागराज, चिड़चिला के वार से बचना, इससे छू गए तो तुम्हारा हश्र भी उस ट्रायनोसॉर जैसा होगा। ये सच कह रहा है, मुझे सचमुच बचना पड़ेगा इसके वार से। केकड़ा कंठ ने लगाया भयानक अट्टहास और किया वार। बचा नागराज, बचा केकड़ा कंठ का ये वार। नागराज तो स्वयं को बचा गया किंतु रीच का वह पिंजरा भर भरा कर बिखर गया। ये रीच उपस्थित जनसमूह पर आक्रमण कर सकता है। स्वतंत्र हो चुके रीच को कोई उत्पात मचाता, उससे पहले ही नागराज ने उसे जकड़ दिया अपनी सर्प रस्सी के साथ। फस, फस। रीच को जकड़ने से तेरा क्या भला होगा नागराज? मुझे जकड़ कर दिखा अपनी सर्प सेना से। केकड़ा कंठ, कब से तुम्हारी तलाश है मुझे, मैं तुम्हें भी जकड़ूंगा और फिर तुम्हारा, तुम्हारे बाद मकड़ा काटू, बिच्छू घड़ा और नगीना को भी। नगीना, उफ, क्या सोचकर बुरी तरह से चौंक पड़ा था नागराज। हा हा हा, भेज और भेज नागराज। असीमित थी चिड़चिला की शक्ति, इतने भेज की बंबई में दूर दूर तक दिखाई पड़े तेरे सर्प सैनिकों का रेगिस्तान। उस खूनी जंग को दम साधे देख रहे थे नागराज के शुभ चिंतक व प्रशंसक। उफ, नागराज इतनी देर क्यों लगा रहा है केकड़ा कंठ को समाप्त करने में? नागराज का एक पंच इसकी बत्तीस ही झाड़ देगा, मगर नागराज वो पंच कब मारेगा? नागराज को ये क्या सूझी? वक्त की नजाकत कहती है प्यारे नागराज की मौजूदा परिस्थितियों में तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। केकड़ा कंठ चौंक पड़ा, नागराज भाग गया? केकड़ा कंठ और नागराज की खौफनाक जंग का क्लाइमेक्स देखने को तरसती आंखें भी हतप्रभ रह गई। नागराज युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गया? नागराज ने ये क्या किया? हमारा सुपर हीरो, हमारा ब्रेवो नागराज कायर, उफ। केकड़ा कंठ अभी भी भचक्का सा खड़ा था। नागराज भाग गया, मुझसे डरकर भाग गया नागराज, लेकिन मुझे तो उसका सिर चाहिए था विश्व सम्राट बनने के लिए, नगीना को प्राप्त करने के लिए। अब मुझे फिर नागराज की खोज करनी पड़ेगी। इधर नागराज को खोजता फिर रहा था केकड़ा कंठ और उधर नागराज पहुंच चुका था नागमणि द्वीप पर। नाग सम्राट नागराज, शीघ्र ही महात्मा कालदूत, आपके चारों फरार कैदियों में से एक का पता लग गया है और मैं शीघ्र ही पता लगा लूंगा मकड़ा खाटू, बिच्छू घड़ा और नगीना का भी। किंतु महात्मा कालदूत, केकड़ा कंठ मकड़ा खाटू और बिच्छू घड़ा के साथ शायद एक बार फिर मैदान में आई है नागतंत्र का नगीना,
जिसके तंत्र मंत्र से टक्कर लेने के लिए मुझे फिर से आवश्यकता है उन पांचों शक्तियों की जिन्होंने नगीना का जाल तोड़ने में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया था। वे पांचों शक्तियां यानी सिंह नाग, नागप्रीति, सर्पराज, नागदेव और नागार्जुन की। वत्स नागराज, महात्मा कालदूत एकाएक गंभीर हो उठे। वत्स नागराज और बोले, इस समय उन पांचों की ही मदद तुम्हें नहीं मिल सकती। वे पांचों इस समय एक साधना में लीन है, किंतु मानवता की रक्षा के लिए मैं तुम्हें तीन ऐसे महाशक्तिशाली शस्त्र दूंगा जो आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारा साथ देंगे, किंतु तुम उन शस्त्रों का प्रयोग अपनी समस्त शक्तियों के असफल हो जाने के पश्चात ही करोगे। और वे तीन शस्त्र हैं, त्रिशूल, नागदंड और कालसर्पी। नागराज, तुम्हारा काम समाप्त होने के बाद ये तीनों शस्त्र जब तुम चाहोगे तुम्हें तुरंत मेरे पास पहुंच जाएंगे। नागराज ने नागमणि द्वीप से कूच किया। महात्मा कालदूत का आशीर्वाद, त्रिशूल, नागदंड और कालसर्पी, अब मैं नागतंत्रिका, नगीना, केकड़ाकंठ, बिच्छूगढ़ा और मकड़ा खाटू से टकराने के लिए तैयार हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया, बम्बई। केकड़ाकंठ को बम्बई वासियों के सामने ही मारूंगा मैं। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था नागराज की, ओह ऐसा तीव्र प्रकाश तो तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं अभी मुंबई में ही हूँ। तुम्हें समाप्त किए बिना मैं यहाँ से चला भी कैसे जाता? केकड़ा कंठ, समझ लिए, लड़ाई वहीं से दोबारा शुरू हुई जहां मैं इसे छोड़ कर गया था। सबके सामने नागराज को मारने का अरमान अब पूरा कर केकड़ा कंठ, ओह केकड़ा कंठ ने पुनः जुटा ली इस जंग के लिए दर्शकों की भीड़। नागराज, मैं तुझे इस गेटवे ऑफ इंडिया के साथ रेत के ढेर में बदल दूंगा। इसे रोका ना गया तो ये शैतान राष्ट्र की धरोहर गेटवे ऑफ इंडिया के परखच्चे उड़ा देगा। नागराज, मुझे रोकने मेरे निकट अवश्य आएगा और तब मैं उसे समाप्त कर दूंगा। सर्प रस्सी पर झूलता नागराज केकड़ाकंठ की आशा के विपरीत कुछ जल्दी ही आ गया, ओह! और जब तक संभल कर केकड़ाकंठ पुनः नागराज की ओर बढ़ा, कार का ये दरवाजा ढाल की तरह इसके एक बार को तो बेकार करेगा ही। केकड़ाकंठ ने बेहद फुर्ती के साथ चीरचला का वार नागराज पर किया। नागराज ने उससे भी अधिक फुर्ती दिखाते हुए रोका वार को, तड़ाक, ओह! नागराज के हाथों में वह ढाल निकल गई। नागराज के हाथों से वह ढाल निकल गई गई ढाल। नागराज, अब तू अपने स्थान से नहीं हट सकता। ओह, अगर तूने अपना स्थान छोड़ा तो मेरे चीरचला से निकली शक्ति तेरे पीछे खड़े शिप और उस पर सवार यात्रियों का काल बन जाएगी। नागराज की ओर लपकी चीरचला की शक्ति, इसके वार को तुरंत बेकार करना आवश्यक है अन्यथा भयानक नुकसान होगा। बाज किसी फुर्ती के साथ उसने खींच लिया गटर पर चढ़ा ढक्कन और इसी के साथ नागराज ने छोड़ दिया वह स्थान। नागराज, ये क्या किया? देख पीछे, होटल ताजमहल की इमारत के साथ कितने निर्दोष लोग रेत के महल की तरह ढह जाएंगे। और अब नागराज के पास महात्मा कालदूत की शक्ति के अलावा और कोई रास्ता ना बचा था उस महाविनाश को रोकने का। जय महात्मा कालदूत, त्रिशूल। नागराज, चीरचला की शक्ति का मुकाबला इस त्रिशूल से करेगा? इस त्रिशूल की ताकत का अंदाजा तुझे जब तक होगा केकड़ा कंठ, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देख, अभी तेरा यह त्रिशूल रेत के कड़ों में बिखर जाएगा नागराज। अगर ऐसा हो गया तो नागराज स्वयं अपना सिर काट कर तुझे दे देगा केकड़ा कंठ। महात्मा कालदूत की शक्ति और केकड़ा कंठ का चीरचला भीषण विस्फोट का स्वर उत्पन्न करते टकरा गए। केकड़ा कंठ की आंखें विस्मित अंदाज में फैल गईं। ये क्या, इसके त्रिशूल पर नहीं चली चीरचला की शक्ति? ओह, अब समझ में आया, इस शक्ति को हासिल करने के लिए ही ये लड़ाई बीच में छोड़कर भाग गया था। उफ, क्रोध से पागल होकर केकड़ा कंठ नागराज पर झपटा। नागराज, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मेरे विश्व सम्राट बनने के लिए तेरा खत्म होना आवश्यक है। नागराज ने एक तीव्र ठोकर जड़ दी उसकी कलाई पर, ठाक। नागराज ने किया वह शक्तिशाली पंच जिसकी की दर्शकों को कब से प्रतीक्षा थी। अब तेरा अंसारी दुनिया देखेगी केकड़ा कंठ, रेत के ढेर में बदल गया केकड़ा कंठ। खचाक, बेचारा केकड़ा कंठ, पता भी नहीं चल सका कि रेत के वे कण कौन कौन सी दिशा में उड़ गए। केकड़ा कंठ के साथ ही तबाह हो गई चिड़चिला शक्ति भी। इसी क्षण नागराज के हाथों से त्रिशूल भी गायब हो गया। नागराज, 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 क्या ये सच है कि चिड़ियाघर में केकड़ाकंठ से अपने प्रथम युद्ध के दौरान तुम युद्ध बीच में छोड़कर भाग गए थे? हाँ, जंग में नीति व दिमाग से काम लेना चाहिए मेरे नन्हे मित्र। ओह,
फ्रांस की राजधानी पेरिस, विश्व के महान आश्चर्य एफिल टावर पर ये कैसे पर्यटक? अब ये आए थे विकराल आकार में। मानव पर्यटकों में खलबली मचना स्वाभाविक था। उफ, डायनासोर जाति के विशाल दैत्य जीव, तबाही मचा देंगे ये, कैसे रुकेंगे ये? विश्व का महान आश्चर्य खतरे में था। उफ, दैत्य जीव, डायनासोर, कहीं एफिल टावर को क्षतिग्रस्त ना कर दें। पल भर में सूनी सनसनी फैल गई पूरे पेरिस में। दैत्य जीव, डायनासोर एफिल टावर की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु इन्हें केवल बुलेट्स के दम पर नहीं रोका जा सकता, उन्हें रोकना होगा। पेरिस से ये विस्फोटक खबर फैली फ्रांस में, और फिर जंगल की आग की तरह संपूर्ण विश्व में इसे फैलाया बीबीसी ने। डायनासोर, खूनी डायनासोर पेरिस में, आतंक, सिर्फ आतंक, भगदड़, भागो। पुलिस की कई गाड़ियां उसी पल आ पहुंची थी वहां। अंधाधुंध बरसी गोलियां, हजारों हजार, स्टे बैक यू बास्टर्ड्स। गोलियों से कुछ ना बना तो बरसे गोले, बूम। समा गया एक गोला दैत्य जीव के खुले हुए मुंह से उसके पेट में। शैतान के पेट में फटने के बाद भी प्रचंड विस्फोटक का बेअसर हो गया। बूम, जीव दैत्यों का तहलका, स्मोक बंग फेंको फेंको, फ्रू। बेअसर हो गए सभी उपाय, तबाही निश्चित थी क्या? एफिल टावर पर चढ़े दर्शकों की सांसें गले में अटकी थी। हमें देखकर उत्तेजित हो रहा है वो डायनासोर, एफिल टावर को गिरा देगा ये अपनी भयानक टक्करों से। धड़ाक, विश्व का एक महान आश्चर्य खंडर होने जा रहा था। लगी थी सैकड़ों जिंदगियां भी दांव पर। बचाओ बचाओ, फरिश्ते की तरह आ पहुंचा महानागराज। तुम्हारे विषय में सुनते ही मैं चला आया पेरिस, और अब मेरे सामने तुम कोई शैतानी ना कर सकोगे, ब्रोंटोसोर। नागराज को पहचान कर लोगों में फैल गई उत्तेजना। ये तो नागराज है, अब ये शैतान दैत्य जीव नहीं बचेंगे। नागराज को लपकने दौड़ी ब्रोंटोसोर की लंबी गर्दन। ओह, अगर मैं इसके जबड़े में फंस गया तो भले ही फिर इसका कुछ भी हो, मेरे जिस्म के चीथड़े उड़ा देगा ये। नागराज को अब जल्दी ही कुछ करना था। ओह, ये गॉर्गोसोर एफिल टावर की नींव ही खाए जा रहा है। अगर ये ऐसे ही खाता रहा तो टावर के गिरने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ब्रोंटोसोर के लिए यह था सुनहरी अवसर। नागराज लटक गया ब्रोंटोसोर की गर्दन पर। तुम्हें तो मैं अपनी शक्तियों से ही समाप्त करूंगा बेटे, प्रदर्शन किया नागराज ने अपनी शारीरिक शक्ति का। एफिल टावर से खींची उस आयरन एंगल से नागराज ने ब्रोंटोसोर की गर्दन को दो भागों में विभक्त कर दिया। खचाक, ब्रोंटोसोर का वह भारी भरकम सिर गिरा टावर की नींव हजम करते गॉर्गोसोर पर। धाड़, पीछे पीछे आया नागराज भी उसकी मौत का संदेश लेकर। दोनों दैत्य जीवों की मौत के पश्चात पलक झपकते वहां लग गई भारी भीड़। नागराज, विश्व के एक आश्चर्य को खंडर बनने से बचा लिया तुमने, विश्व की प्रत्येक धरोहर की सुरक्षा मेरा कर्तव्य ऑफिसर। और तभी, नागराज, विश्व के इस आश्चर्य को तो तूने खंडर होने से बचा लिया, लेकिन अब तू स्वयं को खंडर बनने से ना बचा सकेगा। देख, तेरे सामने है पिच्छू घड़ा। पिच्छू धड़ा, केकड़ा कंठ के अंत के बाद, मैं जानता था कि शीघ्र ही तुम मुझसे भी अब तुझसे भी मेरी मुलाकात निश्चित है, और मुझे तेरी ही प्रतीक्षा थी। मौत की प्रतीक्षा नागराज ही कर सकता है। हा 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 हा। कैसा होगा इसका आक्रमण? नागराज बचा गया उसके फेंके डंक का वार। छट बाहर आ गई पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर। नहीं ऑफिसर, इस पर आप अपनी गोली बर्बाद ना करें। नागराज, तूने ठीक कहा, बिच्छू धड़ा से नागराज की जंग के बीच क्या काम गोली का और बारूद का। ले संभाल, आया जाल बिच्छुओं का। नागराज की विश्वंकार टकराई बिच्छू जाल से। बिच्छुओं में अभी नागराज का विष पचा पाने का सामर्थ्य कहाँ। बिच्छू धड़ा, ओह, इसने तो मेरे बिच्छू जाल को काट डाला। तेरा शर मेरी आवश्यकता है, उसे वृश्चिका से काट कर ले जाऊंगा, पर मेरा ये वार तू नहीं बचा पाएगा नागराज। जरूर, किंतु पहले अपनी हड्डियां टूटने से बचा ले बिच्छू धड़ा। थम, नागराज, अब तू देखेगा वृश्चिका की असली ताकत। बिच्छू धड़ा के वृश्चिका से निकलकर वहां चिंगारी टकराई ठीक नागराज के निकट जमीन पर। क्या गुलखलाने वाली है इसकी वृश्चिका! जमीन से फूट पड़ा अंगारों का स्रोत था।
ओह, जमीन से लावे व अंगारों का सोता फूट निकला है। उफ, जल गया जिस्म। वृश्चिका ने तूफान मचा दिया। नागराज, वृश्चिका से नहीं बचेगा तू अब। नागराज का पीछा करने लगे मौत के विसरोते। खूनी डायनासोर के अंत के पश्चात उस खूनी मिटबोल को देखते लोगों में दहशत फैल गई। भागो, लावा और चिंगारियां हमें जलाकर भस्म कर देंगे। ये नागराज चीज क्या है? कैसे कैसे शैतानों से टकरा जाता है? ये बिच्छू धड़ा तो पूरे फ्रांस की दौड़ लगवा कर छोड़ेगा। तुम गलत कह गए नागराज, मैं तो अब चूहे बिल्ली का ये खेल समाप्त करने वाला हूं। वृश्चिका का हल की तरह चलाता बेहद तेजी से आया बिच्छू धड़ा। नागराज, बिच्छू धड़ा के हाथों ही लिखी थी तेरी भयानक मौत। सर्प के समान बेहद तेजी के साथ दीवार पर चढ़ता चला गया नागराज। ये शैतान बार बार ये बात क्यों भूल जाते हैं कि इनका पाला नागराज से पड़ा है। वृश्चिका काटता चला गया उस दीवार को भी। दीवार पर चिपके नागराज ने वार करने का ये अवसर भला क्यों चूकना था। क्रोधित बिच्छू घड़ा ने नागराज के चारों ओर बना दिए कई छोटे छोटे आग उगलते लावे के स्रोते। ये छोटे छोटे ज्वालामुखी भयानक तबाही मचा देंगे। अब बिच्छू धड़ा का ये खूनी खेल बंद करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज और नगीना के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।